नमस्कार साथियों, करे पढ़ाई लड़े लड़ाई का नारा देने वाली NSUI छात्र हितों की रक्षा के लिए और स्टूडेंट्स का एक एकेडमिक ईयर बचाने के लिए आज स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स कैंपेन लेकर आई है। कोरोना क्राइसिस के दौरान स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने बहुत बड़ी समस्या आई जब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को बंद करना पड़ा, और आज सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है एग्जामिनेशंस को लेकर, यानी कि परीक्षाओं को लेकर। NSUI का मानना है कि स्टूडेंट्स का पास परफॉर्मेंस देखते हुए उनका इवैल्यूएशन हो और उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जाए बिना परीक्षाओं के, यानी कि परीक्षाएं कैंसिल हो। वो इसलिए क्योंकि अगर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर परीक्षा देनी है, तो वहाँ पर सोचिए कि कोरोना संक्रमण के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो कितने ऐसे परिवार हैं, कितने घर हैं जिनके पास एक बहुत ही बेहतरीन वाईफाई कनेक्शन या 4G 3G नेटवर्क सुलभ है? क्या ऐसी परीक्षा सच में इक्वल और फेयर हो सकती है? कई जगह ये कहा जा रहा है कि सितंबर में परीक्षा ली जाए, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? पहले सितंबर में परीक्षा दो, फिर कुछ महीने तक बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार करो। यानी कि ना तो ऐसे स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और ना ही किसी नौकरी के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बड़ी मांग, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गईं, काम धंधा बंद हो गया, कारोबार ठप हो गया। ऐसी परिस्थिति में माता पिता कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे भरेंगे? और उन माता पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो NSUI की मांग है कि पिछले 6 महीने की सारी फीस माफ़ की जाए, रद्द की जाए। और मैं कहना चाहती हूँ कि NSUI की इन दोनों मांगों का मैं पुरजोर रूप से समर्थन करती हूँ। छात्र हितों के लिए NSUI, तुम बढ़े चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद।